नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रामदेवरा में भादवा मेले को लेकर प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की ओर से की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को मेले से पहले सभी फ्रेमवर्क पूरे करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रामदेवरा मेले में कार्यरत अन्य सभी विभाग के अधिकारियों को अपना दायित्व निश्चय के साथ पूरा करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने राम सरोवर तालाब का निरीक्षण कर मेले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। मेले के दौरान भारी वाहनों को मेला परिसर में आने पर प्रतिबंध लगाया। बैठक में मेलाधिकारी प्रभजीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह राठौड़, रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जो लोग गाड़ियों पे आए हैं वो गाड़ी आगे से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, इस चीज से यहाँ व्यवस्था खराब होती है। इसलिए जाट धर्मशाला के पास और इधर नाचना कमेर पे जो पार्किंग है, गाड़ी वालों से मेरा अपील है कि आप गाड़ी वहीं पे रोके, आगे आप आएंगे तो आपकी सीज कर देगी और आप पे जुर्माना भी लगाया जाए। और दूसरी अपील मैं करना चाहूँगा दुकानदारों से, जिस दिन लंबी लाइन लगी होती है चाचा चौक के पास, जो दुकानदार हैं वो पैसे लेके लोगों को लाइनों के बीच में एंट्री करवाते हैं, ये कानूनी तौर पर भी गलत है और ये पाप भी है, क्योंकि जो लोग पीछे लाइनों में खड़े हैं उनको कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बीच में लाइनों में पैसे ला के लोगों को लगाते रहते हो, पीछे वाले लोग पीछे ही खड़े रहते हैं। तो इस बार हमें कोई ऐसा, हमने वीडियो कैमरा भी वहाँ लगवा दिए हैं और सीसीटीवी भी लगवा दिए हैं, जो हमें ऐसा करता मिलता जाएगा उसे गिरफ्तार भी करेंगे और उसकी दुकान भी बंद करवाएंगे। तो ये मेरी दो अपीलें हैं आप सभी लोगों से, आप सहयोग करेंगे तो सबके लिए ये मेला अच्छा रहेगा। धन्यवाद। भादवा मेला 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई ताकि यात्रियों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके? आज बाबा रामदेव मेला 5 सितंबर से 20 सितंबर तक चालू होने वाला है। इसके संबंध में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर एक न्यू बैठक हमने ली थी, जो हमने पिछली बैठक ली थी उसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन के संबंध में आज की बैठक सभी व्यवस्थाएं, जैसे पंचायती राज की तरफ से सफाई की व्यवस्था, मेला समिति की तरफ से बाकी व्यवस्थाएँ, पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाएँ, सभी का जायजा लिया गया। सभी व्यवस्थाएँ एकदम चार चौक हैं और मेले के अंदर लगभग 1 से 1.25 लाख श्रद्धालु रोज़ भी आ रहे हैं। अधिकारी पीछे शामिल हो जाएगा तो और भी ज़्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। सभी व्यवस्थाएँ